आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MPCHO की ऑफिशियल आंसर की के बारे में, जो कि 29th of March 2024 में आपकी कंडक्ट हुई थी। तो आज हम थर्ड शिफ्ट के बारे में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी आंसर की अच्छे से समझ में आए और आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कन्फर्म कर सकें कि आपका आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो ग्रीन कलर से मार्क किया गया है, और जो रॉन्ग आंसर्स हैं या रॉन्ग ऑप्शंस हैं उन्हें रेड कलर से यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय RBCs इज कॉल्ड। तो इसका हिंदी में जो था वो भी आपको नीचे दिया गया है, मीन्स RBC द्वारा व्याप्त कुल रक्त मात्रा के प्रतिशत को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे, हीमेटोपोइसिस, बी हीमेटोपोइटिक रेट, सी थ्रोम्बोसिस एंड डी हीमेटोक्रिट। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, हीमेटोक्रिट। सो यहाँ पर जो कि ग्रीन कलर से मार्क किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैविटीज कंटेंट्स द मेडिस्टेनियम, मीन्स मेडिस्टेनियम कैविटी में, या यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया, निम्नलिखित में से किस गुहा में फुफ्फुस मध्यावकाश होता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो थे ऑप्शन नंबर ए एब्डोमिनल कैविटी, बी थोरेसिक कैविटी, सी पेल्विक कैविटी एंड डी क्रेनियल कैविटी। सो द इनमें से मेडिस्टेनियम किस कैविटी में आता है। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स सीक्रेट फ्लूइड। तो हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सी उपकला झिल्ली द्रव स्रावित करती है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए म्यूकस मेम्ब्रेन, बी सीरस मेम्ब्रेन, सी क्यूटेनियस मेम्ब्रेन एंड डी एब्डोमिनल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर राइट आंसर दो जो माना गया है वह ऑप्शन नंबर बी सीरस मेम्ब्रेन। जो सीरस मेम्ब्रेन होती है वो एपिथेलियल फ्लूड सीक्रेट करती है, जो कि एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है जो फ्लूड सीक्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, सो द स्प्लीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ ओल्ड माल फॉर्म्ड और डैमेज्ड, मीन्स स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल होता है ओल्ड माल फॉर्म्ड और डैमेज्ड किन चीज़ों के रिमूवल के लिए, या किस प्रकार के सेल्स के रिमूवल के लिए। सो यहाँ पर ऑप्शंस थे ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी रेड ब्लड सेल्स एंड डी व्हाइट ब्लड सेल्स, मीन्स WBC। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी रेड ब्लड सेल्स। सो स्प्लीन रिस्पॉन्सिबल होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड मालफॉर्म्ड एंड डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव, सो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर रिलीज्ड बाय द पेनक्रियास, मीन्स पेनक्रियास के द्वारा कौन से एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोटीएस, बी पेप्सिन, सी लैक्टेस एंड डी माल्टेस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए प्रोटीएस, जो कि पेनक्रियास के द्वारा रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज डिफाइन किए गए थे या क्लासीफाइड किए गए थे सारे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर अब एनाटॉमी के क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इज मीन्स जो कि हमारे पास यहाँ पर स्पेस खाली दिया गया है, इज अ फ्लक्चुएशन इन द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इन अ एंड अ कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट विद इन द बॉडी। तो यहाँ पर इसको आपको हिंदी में भी दिया गया था कि शरीर के भीतर संतुलन और स्थिर वातावरण बनाए रखने की क्षमता में उतार चढ़ाव है। तो इसके ऑप्शंस थे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए डिसीज, बी पैरालिसिस, सी नर्वस डिसऑर्डर एंड डी होम्योस्टेटिक इम्बेलेंस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से मार्क है, होम्योस्टेटिक इम्बेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेवन, सो विच नर्व डिक्रीज द हार्ट बीट। ऑप्शंस हैं वेगस,
फेशियल, ऑडिटरी एंड ऑप्टिक। कौन सी नर्व हार्ट बीट को कम करती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वेगस नर्व डिक्रीजेस द हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो विच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डोर्सल रूट गैंग्लिया, मीन्स डोर्सल रूट गैंग्लिया में मुख्य रूप से किस प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, बी स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, सी यूनिपोलर न्यूरॉन्स एंड डी बाइपोलर न्यूरॉन्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स इज मुख्य रूप से पाए जाते हैं जो कि डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर सिग्नलिंग रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑफ यूरिन, मीन्स निम्नलिखित में से कौन मूत्र में भंडारण के संदर्भ में चिकनी मांसपेशियों की शिथिलता का संकेत देने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है? सो इसके हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए एसिटाइल कोलाइन, बी नाइट्रिक ऑक्साइड, सी सीरोटोनिन, डी एडिनोसिन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि मूत्र के भंडारण में चिकनी कोशिकाएं या चिकनी मांसपेशियां जो होती है उनके रिलैक्सेशन में मदद करता है, वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द पोर्शन ऑफ द कंजक्टिवा अपॉन द स्क्लेरा दैट इज लूजली कनेक्ट्स टू द बल्ब ऑफ द आई इज कॉल्ड, मीन्स कंजक्टिवा का वो पोर्शन जो कि स्क्लेरा के ऊपर होता है और लूजली कनेक्ट होता है बल्ब ऑफ द आई से, आई के बल्ब से लूजली कनेक्ट होता है, इसको हिंदी में हम अगर देखें तो यहाँ पर था श्वेत पटल पर नेत्र श्लेष्मा का वह भाग जो आँख के बल्ब से शिथिल रूप से जुड़ा होता है क्या कहा जाता है? हिंदी में है नेत्रच्छद नेत्र श्लेष्मा, बी मेरु शीर्ष नेत्रच्छद्मा नेत्र श्लेष्मा, सी फोर्निकुलर नेत्र श्लेष्मा एंड डी अर्धचंद्र पुटक। और अगर इंग्लिश में इनको देखें तो इंग्लिश में ऑप्शंस थे पल्पेब्रल कंजक्टिवा, बी बल्बलार कंजक्टिवा, सी फोर्निकुलर कंजक्टिवा एंड डी प्लूका सेमी लुनेरिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी बल्बुलर कंजक्टिवा, जो कि वह पोर्शन है जो कि स्क्लेरा के ऊपर पाया जाता है और बल्ब ऑफ द आई से लूजली कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले यहाँ पर इसे नेक्स्ट पोर्शन में क्लासिफाई कर दिया गया है। सो डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 11 से। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इज अनलिमिटेड बाय रिसोर्स अवेलेबिलिटी विच अलाउज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टू इंक्रीज कंटिन्यूसली ओवर टाइम इज नोन एज। अगर इसको हिंदी में हम देखें तो यहाँ पर कहा गया है जनसंख्या वृद्धि जो संसाधनों की उपलब्धता से असीमित है जो समय के साथ जनसंख्या वृद्धि दर को लगातार बढ़ने की अनुमति देती है उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस आर लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लिमिटिंग फैक्टर एंड डी कैरिंग कैपेसिटी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द एग्जिस्टिंग बास्केट ऑफ चॉइसेस, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक हाल ही में मौजूदा समूह में जोड़ा गया है, मौजूदा ग्रुप या समूह में जोड़ा गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सी वैसेक्टोमी एंड डी ट्यूबल लाइगेशन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर रिसेंटली एडेड इन
द ग्रुप ऑफ द चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। डैश डैश इज अ सडन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ गिवन टाइम। मीन्स निम्नलिखित में से किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि को क्या कहा जाता है, जो कि नीचे लिखे गए हैं। तो इसके हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए लिमिटिंग फैक्टर, बी कैरिंग कैपेसिटी, सी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड डी पॉपुलेशन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन। मीन्स किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि को पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, एक्सप्लोशन कहा जाता है। हिंदी में अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सीमित कारक, बी वहन क्षमता, सी जनसंख्या विस्फोट एंड डी प्रदूषण। सो इसका राइट आंसर है जनसंख्या विस्फोट, जो कि एक निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस और डेथ्स ऑक्यूरिंग इन द स्पेसिफिक पॉपुलेशन पर ईयर यूजली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन एट रिस्क। मीन्स प्रति वर्ष एक निर्दिष्ट जनसंख्या में होने वाले नए मामलों या मृत्युओं की संख्या, जिसे आमतौर पर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर जोखिम वालों मामलों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्रूड रेट, बी मोर्टेलिटी रेट, सी स्टैंडर्डाइज्ड रेट एंड डी लिमिटिंग फैक्टर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए क्रूड रेट, जो कि प्रतिवर्ष एक निर्दिष्ट जनसंख्या में होने वाले नए मामलों की संख्या, जिसे आमतौर पर 1 लाख से की जनसंख्या पर देखा जाता है, उसे यहाँ पर हिंदी में भी देखें तो स्थूल दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हाउ इज टोटल फर्टिलिटी रेट डिफरेंट फ्रॉम द ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। मीन्स कुल प्रजनन दर सकल प्रजनन दर से किस प्रकार भिन्न है। क्रूड मीन्स जो है फर्टिलिटी रेट डिफरेंट किस प्रकार से है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट से। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए TFR इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ कपल एंड GFR इज नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन इन लाइफ टाइम। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए TFR इज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बोर्न टू अ कपल, कपल के द्वारा जितने चिल्ड्रंस बोर्न किए जाते या जन्म दिया जाता है वो है TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। एंड ग्रोथ रिप्रोडक्टिव रेट इज द नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बोर्न अ वुमन, एक वुमन के द्वारा उसके लाइफ टाइम में जितनी लड़कियों को या बच्चियों को जन्म दिया जाता है वो ग्रोथ रिप्रोडक्टिव रेट कहलाता है। इस प्रकार से TFR GRR से डिफरेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में बांट दिया गया है या क्लासीफाई किया गया है कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन। सो यहाँ पर अब ये वाला पोर्शन शुरू हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज इन फेब्रवरी 2018 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HWCs बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। सो क्या कहना जा रहा है हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फरवरी 2018 में भारत सरकार ने मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बदलकर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने की घोषणा की। तो कितने स्वास्थ्य और प्राथमिक केंद्रों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है, जो कि यहाँ पर डैश करके आपसे पूछा गया था। सो ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए 150, बी 1500, सी 15,000 एंड डी 1,50,000। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1,50,000 मीन्स 1.5 लाख। को
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ट्रांसफॉर्म करने का यहाँ पर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, मीन्स एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड का इनमें से कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सटर्नल एजेंट, बी इंटरनल एजेंट, सी ससेप्टिबल होस्ट एंड डी इन्वायरमेंट। हिंदी में अगर ऑप्शंस की बात करें तो हिंदी में ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए बाहरी एजेंट, बी आंतरिक एजेंट, सी रोगग्राही पोषक एंड डी पर्यावरण। सो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंतरिक एजेंट, जो कि इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है इंटरनल एजेंट। सो इंटरनल एजेंट इज़ द राइट आंसर, जो कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड का एक कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट सर्विसेज डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड टू प्रेग्नेंट वुमन अंडर द जननी सुरक्षा योजना, मीन्स जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सी सर्विसेज है जो प्रेग्नेंट वुमन को प्रोवाइड की जाती है। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए सबसाइड वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न, बी फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर हॉस्पिटल विजिट्स, सी फाइनेंशियल असिस्टेंस रिगार्डलेस ऑफ द मदर्स एज एंड डी फ्री एंटीनेटल चेकअप्स एट होम। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल असिस्टेंस रिगार्डलेस ऑफ द मदर्स एज। मीन्स हिंदी में देखें जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सेवाएं प्रदान करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी माता की आयु को ध्यान में लिए बिना वित्तीय सहायता। यहाँ पर क्वेश्चन स्टेट्स डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोसेसेस इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशंस इज कॉल्ड, मीन्स यहाँ पर है कि निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य संबंधित घटनाओं स्थितियों निर्धारकों और प्रक्रियाओं के वितरण के अध्ययन को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन से हिंदी में मानव विज्ञान, बी महामारी विज्ञान, सी संक्रमण जीव एंड डी विज्ञान पैथोलॉजी। इंग्लिश में है एंथ्रोपोलॉजी, बी एपिडेमियोलॉजी, सी इन्फेक्शन बायोलॉजी एंड डी पैथोलॉजी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स स्टेट्स डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोसेस इन स्पेसिफिक पॉपुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। एम्स टू प्रिवेंट अ डिसीज फ्रॉम एवर ऑक्यरिंग बाय टारगेटिंग पॉपुलेशन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। ऑप्शंस यहाँ पर हिंदी में अगर देखें तो मीन्स का उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों में जनसंख्या को लक्षित करके किसी बीमारी को कभी ना होने से रोकना है, किस चीज़ का है ये। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, बी प्राइमरी प्रिवेंशन, सी सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड डी टर्शरी प्रिवेंशन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, मीन्स प्रारंभिक रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, जो कि यहाँ पर स्टार्ट होगा लेकिन उससे पहले इन्होंने क्लासिफाई किया है उसे मेटरनल हेल्थ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के क्वेश्चंस 21 से यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। सो हम चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 21। डेज हॉर्मोन लेवल्स फाउंड इन द मदर्स ब्लड एंड यूरिन राइज अ लॉट ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड इट मे प्ले अ पार्ट इन द नोजिया एंड वॉमिटिंग ऑफन लिंक्ड टू प्रेगनेंसी। मीन्स यहाँ पर हिंदी में अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि पहली तिमाही के दौरान माता के रक्त और मूत्र में पाए जाने वाले डेज हॉर्मोन्स का स्तर बहुत बढ़ जाता है और यह अक्सर गर्भ अवस्था से जुड़ी मतली और उल्टी में भूमिका निभा सकता है, तो वह कौन से हॉर्मोन्स हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन HCG हॉर्मोन एंड डी प्रोलैक्टिन।
सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. द डैश हॉर्मोन इज इन्वॉल्व इन शॉर्पनिंग एंड रीमॉडलिंग द सर्विक्स एंड द यूटेराइन सेगमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. मीन्स वह हॉर्मोन जो कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय खंड को नरम और पुनर्निर्मित करने में शामिल होते हैं वो कौन से होते हैं. सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए रिलैक्सिन, बी इंसुलिन, सी थायरोक्सिन एंड डी प्रोलैक्टिन. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए रिलैक्सिन. सो रिलैक्सिन इज इन्वॉल्व द शॉर्पनिंग एंड रिमॉडलिंग ऑफ सर्विक्स एंड यूटेराइन सेगमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज्स स्टार्ट्स व्हेन लेबर बिगिंस एंड एंड्स विथ फुल सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट्स. मीन्स कि इनमें से कौन से स्टेज्स हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण तब शुरू होता है जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है और पूर्ण गर्भाशय ग्रीवा फैलाव और विलोपन के साथ समाप्त होती है. मीन्स प्रसव की पीड़ा मीन्स लेबर स्टार्ट होता है और वहाँ पर सर्वाइकल डायलेशन फुल हो जाता है वो कौन सी स्टेज कहलाती है. सो ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट स्टेज व्हेन द फुल सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट एंड लेबर बिगिंस एंड एंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. मेजरमेंट रिफ्लेक्ट रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा. सो यहाँ पर कहा गया है कि माप भ्रूण के नाल तक, माप भ्रूण से नाल तक रक्त प्रवाह के प्रतिरोध को दर्शाते हैं. ऑप्शन नंबर ए है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बी अम्बिलिकल आरटी डोपलर वेलिसियोमेट्री, सी अल्ट्रासाउंड एंड डी कॉर्नुअल प्रेगनेंसी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर वेलोसीमेट्री जो कि माप भ्रूण से नाल तक रक्त प्रवाह के प्रतिरोध को दर्शाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 है. इन डैश टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी द इम्प्लांटेशन ऑक्यर्स इन द केविटी ऑफ अ रूडिमेंट्री हॉर्न ऑफ द यूटरस विच मे और मे नॉट बी कम्युनिकेटिंग विथ द यूटेराइन केविटी. मीन्स इनमें से कौन से वह टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जिसमें इम्प्लांटेशन होता है केविटी में जो कि रूडिमेंट्री हॉर्न ऑफ यूटेरस पर होता है और विच जो कि कर भी सकती है, कम्युनिकेटिंग भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है यूटेराइन केविटी में. सो इसके ऑप्शंस जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए सर्वाइकल प्रेगनेंसी, बी सीसेरियन स्कार प्रेगनेंसी, सी कॉर्नुअल प्रेगनेंसी एंड डी इंटरस्टेशियल प्रेगनेंसी. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी कॉर्नुअल प्रेगनेंसी जो कि एक प्रकार की अस्थानिक गर्भावस्था में प्रत्यारोपण गर्भावस्था के गर्भाशय के अल्पविकसित सिंग के गुहा में होता है जो गर्भाशय गुहा के साथ संचार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. सो द राइट आंसर इज श्रृंगी सगर्भता या फिर कॉर्नुअल प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. हाउ फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. मीन्स यहाँ पर हिंदी में देखा गया है कि केवल स्तनपान के मामले में कितनी बार स्तनपान की आवश्यकता होती है. तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एवरी 15 मिनट, बी एवरी 2 to 4 आवर्स, सी एवरी 8 आवर्स एंड डी एवरी 24 आवर्स. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एवरी 2 to 4 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू प्रिवेंट पोटेंशियल हार्म टू द इन्फेंट. मीन्स शिशु के
संभावित नुकसान से बचाने के लिए केवल स्तनपान के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? सो ऑप्शंस आर कंज्यूमिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल, बी इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फूड्स आफ्टर 5 मंथ्स, सी ड्रिंकिंग प्लेंट्री ऑफ द वाटर एंड डी टेकिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिंस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कोहल। और हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है अधिक मात्रा में शराब के सेवन से बचना चाहिए जब कि केवल स्तनपान की बात कही गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ न्यू बॉर्न, मीन्स न्यू बॉर्न के निम्नलिखित में से कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लार्ज हेड विथ शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, बी नैरो शोल्डर्स एंड हिप्स, सी नो एब्डोमेन एंड डी डाउनी अनपिगमेंटेड हेयर कॉल्ड लेन्यूगो। तो यहाँ पर हिंदी में अगर देखें तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से नवजात शिशु का सामान्य लक्षण नहीं है? छोटे हाथ और पैर के साथ बड़ा सिर, बी संकीर्ण कंधे और कुल्हे, सी कोई पेट नहीं और डी कोमल अरंजित बाल जिन्हें मृदुमोल कहा जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी नो एब्डोमेन। नो एब्डोमेन नवजात शिशु का लक्षण नहीं है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। विच इंटरवेंशन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रोसीजर्स, मीन्स कौन सा हस्तक्षेप प्रसव संबंधित प्रक्रियाओं के बाद शिशुओं में शल्य चिकित्सा संबंधित संक्रमण से रोकने के लिए आवश्यक होता है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स। अदर ऑप्शन इज डिलेइंग वंड ड्रेसिंग चेंजेस टू अवॉइड डिस्ट्रीब्यूटिंग द सर्जिकल साइट, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल एंटीसेप्टिक्स एंड फोर्थ लिमिटिंग इन्फेंट्स मूवमेंट्स टू मिनिमाइज कंटामिनेशन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन इन किड्स, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में रोग संचरण की रोकथाम के लिए नर्सिंग प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आइसोलेट चिल्ड्रन विथ सस्पिशियस रसेस एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी लीव ड्रेनिंग वुंड्स ओपन टू ड्राई, सी रिकॉल दैट द फीकल ओरल एंड रेस्पिरेटरी रूट्स आर द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इन चिल्ड्रंस एंड डी वाइप डाउन हार्ड सर्फेसेस इन द एग्जामिनिंग रूम विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बिफोर अनोदर चाइल्ड यूजेज द रूम। हिंदी में अगर यहाँ पर देखा जाए तो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए है संदिग्ध चकत्ते और श्वसन संक्रमण वाले बच्चों को अलग करें, बी अफवाह घावों को सूखने के लिए खुला छोड़ दें, सी याद रखें कि मल जोखिम और श्वसन मार्ग बच्चों में संचरण के सबसे आम मार्ग है एंड डी किसी अन्य बच्चे के कमरे का उपयोग करने से पहले परीक्षण कक्ष में कठोर सतहों को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पोंछ लें। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी अफवाह घावों को सूखने के लिए खुला छोड़ दें, लीव ड्रेनिंग वॉन्ट्स ओपन टू ड्राई होने के लिए खुला छोड़ दें अफवाह या फिर लीव घावों को या वुंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन आया है जिसमें कि चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में नेक्स्ट पार्ट को बांट दिया गया है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होगा। सो द 31 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट देन द आर्म्स एंड देन द लेग्स, मीन्स यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले सिर फिर हाथ और फिर पैर पर नियंत्रण हासिल करता है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंटल
प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स, बी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल टू द मोर कॉम्प्लेक्स, सी डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड एंड डी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड। हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहा गया है विकास सिर के निचले नीचे की ओर बढ़ता है, विकास सिर के नीचे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीन्स इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हेरिडिटी, बी न्यूट्रिशन, सी फिजिकल अपीयरेंस एंड डी हॉर्मोन्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, अ चाइल्ड इज एडमिटेड विथ डिहाइड्रेशन ड्यू टू गेस्ट्रोएंट्राइटिस, विच पेरेंटल नर्सिंग केयर एक्शन इज अ प्रायोरिटी ड्यूरिंग द चाइल्ड हॉस्पिटलाइजेशन, मीन्स गेस्ट्रोएंट्राइटिस के कारण निर्जलीकरण से ग्रस्त एक बच्चे को भर्ती कराया गया है। बच्चे के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कौन सी माता पिता नर्सिंग देखभाल कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाती है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एलोविंग द चाइल्ड टू रेस्ट अनइंटरप्टेड, बी प्रोवाइडिंग अ वेराइटी ऑफ स्नैक्स फॉर द चाइल्ड टू चूज फ्रॉम, सी इनकरेजिंग द चाइल्ड टू एंगेज इन प्ले एक्टिविटीज एंड डी मॉनिटरिंग द चाइल्ड फ्लूड इनटेक एंड आउटपुट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी मॉनिटरिंग द चाइल्ड्स फ्लूड इनटेक एंड आउटपुट, मीन्स यहाँ पर बच्चे के तरल के सेवन और आउटपुट की निगरानी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, द नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस फॉर अ न्यू बॉर्न इज यूजली देन इट्स हेड सर्कमफेरेंस, मीन्स जो नॉर्मल नवजात शिशु की सामान्य छाती की परिधि आमतौर पर उसके सिर की परिधि से कितनी होती है। सो ऑप्शंस आर 2 सेंटीमीटर लेस, बी 2 सेंटीमीटर मोर, सी 4 सेंटीमीटर लेस एंड डी 4 सेंटीमीटर मोर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 2 सेंटीमीटर लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इंडिकेट्स दैट अ बेबी मे बी रेडी फॉर चेविंग एंड गमिंग सेमी सॉलिड्स, मीन्स क्या इंगित करता है कि बच्चा अर्ध ठोस पदार्थ चबाने और निगलने के लिए तैयार हो सकता है। सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए हार्डनिंग ऑफ गम्स एंड इरप्शन ऑफ टीथ्स, बी एक्सेसिव क्राइंग ड्यूरिंग फीडिंग, सी डिक्रीज इन एपेटाइट एंड डी इंक्रीज्ड इन ड्रूलिंग। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए हार्डनिंग ऑफ गम्स, मीन्स गम्स का हार्ड होना और टीथ्स का निकलना इरप्शन ऑफ टीथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, पर उससे पहले यहाँ पर इसे क्लासीफाई किया गया है 36 नंबर के क्वेश्चन से पहले यहाँ पर इम्यूनाइजेशन वाले जो कि आपके सिलेबस में दिया गया था, तो इम्यूनाइजेशन के क्वेश्चन 36 नंबर से स्टार्ट हो गए हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 36 इज विच कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स, मीन्स टीकों का कौन सा घटक शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एडजुवेंट्स, बी प्रिजर्वेटिव्स, सी एंटीबायोटिक्स एंड डी एंटीजेंस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी एंटीजेंस। एंटीजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, अ ग्राफ्ट बिटवीन इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए मीन्स ऐसा ग्राफ्ट जो विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों के बीच ग्राफ्ट को क्या कहा जाता है।
ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑटोग्राफ्ट, बी जीनोग्राफ्ट, सी एलोग्राफ, डी आइसोग्राफ। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी जीनोग्राफ्ट। सो विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों के बीच में ग्राफ्ट को जीनोग्राफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइव एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी लाइव एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए साग पोलियो वैक्सीन, बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, सी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन एंड डी रोटा वायरस वैक्सीन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर रोटा वायरस वैक्सीन। रोटा वायरस वैक्सीन इज द लाइव एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो एंटीजन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रतिजन बहुस्त्र काठिन्य के लिए जिम्मेदार है, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन है जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर, बी आरएच ब्लड ग्रुप, सी SNRNP एंड डी माइलिन बेसिक प्रोटीन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर माइलिन बेसिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। डैश टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएट विथ इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन टू इम्यूनाइजेशन। सो तो यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार की असंवेदनशीलता प्रतिक्रिया आमतौर पर टीकाकरण के तत्काल एलर्जी प्रतिक्रिया से जुड़ी होती है, तो वह कौन से प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो कि टीकाकरण के ठीक बाद देखी जाती है। ऑप्शन ए टाइप 2, बी टाइप 1, सी टाइप 4 एंड डी टाइप 3। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी टाइप 1, जो कि टीकाकरण या फिर इम्यूनाइजेशन के बाद दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया था एडोलसेंट हेल्थ। तो अब एडोलसेंट हेल्थ के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टूल इज कॉमनली यूज्ड टू इवेलुएट एन एडोलसेंट इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड कंजक्टाइव कॉग्निटिव एबिलिटीज। सो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन उपकरण का उपयोग आमतौर पर किसी किशोर की बौद्धिक कार्यप्रणाली और संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रोर्चेज इंक ब्लॉट टेस्ट, बी थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, सी मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MMPI जिसे कहा जाता है एंड डी बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन WISC। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन WISC इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। सो इन एडोलसेंट्स सेक्स हॉर्मोन्स में इन्फ्लुएंस पेन इन एब्डोमेन, डैश इज द असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन फॉर एनी एब्डोमिनल टेंडरनेस एब्डोमिनल मासेस। तो यहाँ पर कहा गया है कि किशोरों में सेक्स हार्मोन पेट में दर्द को प्रभावित कर सकते हैं, तो यहाँ पर डैश दिया गया है उदर के किसी भी दाब वेदना उदरीय मास के लिए पेट का आकलन है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए परकसन, बी इंस्पेक्शन, सी पालपेशन एंड डी ऑस्कल्टेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी पालपेशन। पालपेशन होता है एडोलसेंट में जो कि असेसमेंट एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए यूज होता है टेंडरनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिशनल नीड फॉर एडोलसेंट, मीन्स इनमें से कौन सी एडोलसेंट के न्यूट्रिशनल नीड से संबंधित नहीं है या आवश्यकता नहीं है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए आयरन रिच फूड्स, बी विटामिन सी, सी एरेटेड ड्रिंक्स एंड डी कैल्शियम। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थ्री एरेटेड ड्रिंक्स आर नॉट अ न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यूज्ड टू मैनेज ओपियोइड एडिक्शन एंड प्रिवेंट विड्रॉल सिम्टम्स अलोंग विथ क्रेविंग्स। यहाँ पर कहा गया है कि ओपियोइड्स की लत को प्रभावित करने और लालसा के साथ निर्वतन लक्षण को रोकने के लिए किस प्राथमिक औषधीय हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए डाइसल्फिराम, बी मेथाडोन, सी नलेक्सोन एंड डी ब्यूप्रेनोरफिन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर ब्यूप्रेनोरफिन इज अ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यूज्ड टू मैनेज ओपियोइड एडिक्शंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण इन इंडिया। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण इन इंडिया को किस गवर्नमेंट के उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट यहाँ पर जिम्मेदार है या इम्प्लीमेंट करता है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। सो क्वेश्चन नंबर 46 से पहले यहाँ पर इसे क्लासीफाई किया गया है, तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए गए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट हुए हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ मैन इनफर्टिलिटी, मीन्स निम्नलिखित में से पुरुष बंध्यत्व का कारण क्या है। ऑप्शंस हैं प्रॉब्लम्स विथ ओव्यूलेशन सच एन इरेगुलर एंड और एब्सेंट ओव्यूलेशन, बी इंडोमेट्रियोसिस, सी हार्मोनल डिसऑर्डर लीडिंग टू एबनॉर्मलिटीज इन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस एंड टेस्टिकल्स। मीन्स हार्मोनल कुछ ऐसे डिसऑर्डर जो कि लीड करते हैं हार्मोनल प्रोड्यूशन की एबनॉर्मलिटीज को, ऐसी एबनॉर्मलिटीज जिसमें हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते हैं किनके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और टेस्टिकल्स, इनमें से किसी में प्रॉब्लम होने के कारण। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी नॉट डी नॉट सेकेंड एंड नॉट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उदाहरण या एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इम्प्लांट, बी स्किन पैचेस, सी वेजाइनल रिंग्स एंड डी डायफ्राम्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर डायफ्राम्स। डायफ्राम आर नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन इन्वॉल्व्ड इन फीमेल स्टेरिलाइजेशन थ्रू ट्यूबल लाइगेशन, मीन्स कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि इन्वॉल्व होता है फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए जो कि ट्यूबल लाइगेशन में होता है। ट्यूबल लाइगेशन करने के दौरान फीमेल स्टेरिलाइजेशन में कौन सा एक्शन इन्वॉल्व होता है। सो द ऑप्शंस आर थीकन्स सर्वाइकल म्यूकस, बी ब्लॉक्स फेलोपियन ट्यूब्स, सी ब्लॉक्स स्पर्म फ्रॉम इंटरिंग द यूट्रस एंड डी प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। सो यहाँ पर ऑप्शन जो राइट आंसर है हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक्स फेलोपियन ट्यूब। ब्लॉक्स फेलोपियन ट्यूब जो होता है वो होता है डिम्ब वाहिनी बंधन के माध्यम से महिला नसबंदी में शामिल तंत्र
क्रिया क्या है। यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया था कि निम्न वाहिनी बंधन मीन्स ट्यूबल लाइगेशन में महिला नसबंदी में शामिल तंत्र क्रिया क्या है। तो यहाँ ब्लॉक्स फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ट्यूबल लाइगेशन में, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। विच हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व्स अप्लाइंग अ पैच टू द स्किन दैट रिलीजेस हॉर्मोन्स थ्रू द स्किन इन टू द ब्लड स्ट्रीम। मीन्स इनमें से वो कौन सी हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो इन्वॉल्व है पैच अप्लाई करने, स्किन पर पैच अप्लाई किया जाता है और वो पैच रिलीज करता है हॉर्मोन थ्रू स्किन इन टू ब्लड स्ट्रीम। मीन्स स्किन में हॉर्मोन वो पैच जो अप्लाई करते हैं स्किन में हॉर्मोन रिलीज करता है और वहाँ से हॉर्मोन ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। सो द ऑप्शंस आर सबडर्मल इम्प्लांट, बी कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग, सी कॉन्ट्रासेप्टिव पैच एंड डी बर्थ कंट्रोल शॉर्ट्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रासेप्टिव पैच। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। विच इज अ रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ मेल कॉन्ट्रासेप्शन सिमिलर टू स्टरलाइजेशन। मीन्स इनमें से नसबंदी के समान पुरुष गर्भ निरोधक का एक प्रतिवर्ती रूप है, इनमें से कौन सा एक रिवर्सिबल फॉर्म है मेल कॉन्ट्रासेप्टिव के जो कि स्टरलाइजेशन से संबंधित है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए वैसेक्टोमी, बी ऑप्शन नंबर ए वैसोस्टोमी, बी वैसेक्टोमी, सी इपिडेडाइमेक्टोमी एंड डी टेस्टिकुलर इम्प्लांटेशन। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए वैसोस्टोमी इज द राइट आंसर। सो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के 29 मार्च 2024 की थर्ड शिफ्ट का पेपर, जो कि हमने हाफ पेपर अभी कवर किया है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है इसलिए हम इसे सेकेंड पार्ट में लेकर आएंगे। तो आपने इस फर्स्ट पार्ट को लास्ट तक देख लिया है तो आप सेकेंड पार्ट को भी देख सकते हैं जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हम सारी शिफ्ट्स को इसी प्रकार से आपके सामने लाने वाले हैं, तो सारी शिफ्ट्स को आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स हैं उस पर टच करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।